तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं शोरूम पे, ये रहा। और प्राइस लगा ऑन रोड 1,12,055। अपने मेहनत की कमाई से लेकर के पापा को एक कुछ गिफ्ट करना, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो दोस्तों, ये ब्लॉग थोड़ा सा यूनिक है। आज तक आप लोगों ने जितने भी ब्लॉग देखा है ना, ये पूरा ब्लॉग मतलब हटके है थोड़ा। अरे कहना क्या चाहते हो? आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया, पापा को एक स्कूटी गिफ्ट करना है, वो भी सरप्राइज। मतलब पापा को एक थोड़ा भी भनक नहीं है, पता भी नहीं कि मैं ये काम करने वाला हूँ। और ये गिफ्ट मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी दो बाइक है, ठीक है। लाइक मेरा एक अपाची है, एक बुलेट है, लेकिन पापा को ना हल्का बाइक ज्यादा पसंद है, उनको चलाने में मतलब दिक्कत होता है, वो तो बुलेट चला ही नहीं पाते। तो मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट कौन सा होगा, तो स्कूटी सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें ना गियर रहता है ना कुछ रहता है, और बहुत हल्का भी रहता है। तो सोचा कि पापा के लिए वही गाड़ी बेस्ट रहेगा, वो भी चला पाएंगे, कभी कभी मैं भी चला लूंगा थोड़ा बहुत। तो अभी दोस्तों हम घर से निकल चुके हैं, रास्ते में ही है, जा रहे हैं बलियापुर बोल के एक जगह, वहाँ पर TVS का शोरूम है, वहाँ पर जाकर के लेंगे, जहाँ पर मैंने अपाची लिया था। और TVS का दोस्तों एंटोर्क लेंगे, एंटोर्क का रेस एडिशन, ठीक है। आप लोग जाके दिखाते कौन सा बाइक है, मुझे वो ज़्यादा मतलब स्कूटर पसंद आया, ठीक है। मैंने देखा बहुत सारा रिव्यू यूट्यूब पे, तो बेस्ट लगा वहीं वाला। एंड चलिए देखते हैं पापा का क्या रिएक्शन रहेगा। पहले तो स्कूटी लेते हैं, डायरेक्ट घर लेके जाते हैं, और पापा को डायरेक्ट जाकर बोलेंगे कि आपके लिए सरप्राइज, उसके बाद उनका रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, कैसा होता है। तो मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, देखते रहें, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, दबा के। तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं शोरूम पे, ये रहा। यहीं से मैंने अपना फर्स्ट बाइक जो कि YouTube से खरीद करके लिया था, YouTube से कमा करके, अपाची 160cc, ठीक है, वो भी घर पे ही है। एंड इधर देख सकते हो, हाँ ये वाला एक ले लेते हैं, पापा को दे देंगे, ठीक है, ये भी सही है, हेवी ड्यूटी। नहीं गाइज, हम लेने वाले एंटोर्क रेस एडिशन। एंड ये रहा शोरूम के अंदर काफ़ी सारे बाइक्स लगे हुए हैं। नमस्ते भैया, पूरा सीरियस लग रहे हैं जो, कोई दुख दर्द? बड़ा हरामी हो बेटा। दुख दर्द नहीं है भाई, कोई दुख दर्द नहीं है, बस मतलब बिजी थे दोस्त। देखिए आपका यहाँ पर ना फर्स्ट बाइक लिए था अपना अपाची, जब हम यूट्यूबर बने थे उस टाइम, यूट्यूब से ही कमा करके फाइनेंस करवा के लिए थे बाइक, और आज सेकंड बाइक फिर लेने आए हैं। चलिए आइए, यहाँ एंटोर्क के बारे में बताइए थोड़ा सा पब्लिक लोगों को, तब ना उन लोगों को भी समझ में आएगा। एंटोर्क ये वाला रेस एडिशन, रेस एडिशन, हाँ बताइए इसमें क्या फीचर्स है, क्या फीचर्स? तो गाइस ये है सबसे पहला रेस एडिशन एंटोर्क, यही लेना है 125cc का बाइक है ये 125cc है। इसमें नेविगेशन, ट्रू कॉलर आईडी, GPS सारा इनबिल्ट है। ये माइलेज 40-45 एवरेज किलोमीटर, जो कि और बाइक और भी कंपनी है उस कंपनी में आपको 125cc में उतना एवरेज नहीं मिलता है जितना इसमें आपको मिल रहा है। 40-45 तक का फोन है भैया, माइलेज देगा, ठीक है, वो तो चला करके फिर रिव्यू करेंगे एकदम, बताएंगे पब्लिक को, ठीक है। और इसमें शायद डबल डिस आता है? नहीं, सिंगल डिस आता है ना, फ्रंट में आपको एक फ्रंट डिस डिस। और कलर तो मुझे यही वाला लेना, तो इसका कितना कलर आता है? दो, इसमें रेस एडिशन में दो आता है, एक येलो एक रेड, तो मुझे यही ज्यादा पसंद है, तो यही वाला फाइनल करते हैं। सो गाइस ये था रेस एडिशन, और एक और है वो स्क्वाड एडिशन, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इससे और ज़्यादा महंगा है। इंजन का पावर, सीसी वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन इसका जो स्टिकर वगैरह है थोड़ा लुक वाइज ये ज़्यादा बेटर है उससे, इसीलिए थोड़ा सा महंगा है उस वाले से। ये देखिए स्क्वाड एडिशन, तो अभी थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव लेने के लिए मैंने निकाला है, ये देखिए लिखा हुआ है स्क्वाड एडिशन, सुपर स्क्वाड एडिशन, ठीक है, कुछ इस तरह का देखने में लुक वाइज तो गजब का है, एवेंजर का पूरा एकदम दिया हुआ है स्टिकर्स, डिस्प्ले भी अच्छा है ना, ये देखिए GPS वगैरह सब कुछ। लो टेस्ट ड्राइव लेते हैं थोड़ा, जोक मारा रे। और पीछे का चक्का पूरा मोटा है अपाची जैसा।
एक्सपीरियंस ज्यादा लुक वाइज अच्छा दिख रहा है ना। हाँ इसका स्टिकर वगैरह थोड़ा ज्यादा लुक अच्छा मस्त दिख रहा है भैया। यही वाला ले लेते हैं, यही वाला फाइनल करिए, सूट भी कर रहा आप पे पता। चलिए इसी को फाइनल करते हैं गाइस एंड बताते हैं आप लोगों को ऑन रोड प्राइस क्या है क्या नहीं। पहले हम पता करते हैं, हमको नहीं पता, उससे महंगा रेस एडिशन से थोड़ा सा महंगा। सो गाइस फाइनली डिसाइड हुआ ही सुपर स्पोर्ट एडिशन, ठीक है, थोड़ा यूनिक था, अच्छा लग रहा था देखने में, और प्राइस लगा ऑन रोड 1,12,055 रुपये। ओह माय गॉड, 1,12,000। चलिए अभी गाड़ी का एसी भी दाम बहुत बढ़ गया, स्कूटर अभी ना वॉश हो रहा है, ठीक है, रेडी हो रहा है, थोड़ा बहुत उसमें सामान वामान लगता है ना, लुकिंग ग्लास वगैरह क्या क्या, तो आइए देखते हैं। देखिए अपना गाड़ी जो है नहा धुला का आ रहा है, उधर नहा लिया, बहुत गर्मी भी है, सोच रहे थे हम भी नहा लेते हैं, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इतना गर्मी दे रहा है भाई। तो देखिए गाड़ी का यहाँ पर सामान फिट हो रहा है, अरे एक ही बाइक में चार लोग लग गए हैं, ये बताइए अकेले में नहीं हो रहा भाई। हाँ भाई चार जन लग गया जो एक ही में। मैं ताक रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा, समझ रहा ना वीडियो में। हाँ पूरा खुश है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ मंगल, मंगल पांडे, पांडे नहीं है, चिल्लू पांडे का भाई। इसका नाम आपका नाम से ये जानता है हमको अच्छे से ना, जब अपाची खरीदे थे तब से है ये, बहुत पुराना है यहाँ का। हो गया देखिए पूरा चमका दिया ये लोग बाइक को एकदम। अभी यहाँ पर एक नया स्टाफ भी ज्वाइनिंग हुआ है, कितना दिन पहले हुआ है? यहाँ पर तो 1 साल हो गया, 1 साल हो गया पहले गैरेज में। नाम? मेरा नाम शंभुनाथ शान। क्या? शंभुनाथ शान, शंभुनाथ ना। चलिए बहुत अच्छा, ये लोग एकदम चमका दिए हैं बाइक को, सारे स्टाफ यहाँ का काफी अच्छे हैं। देखिए तो गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी फील हो रहा है, आज तक तो मैंने बहुत कुछ लिया है, लाइक बुलेट हो गया, फोर व्हीलर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन पापा को एक अपने अपने मेहनत के कमाई से लेकर के पापा को एक कुछ गिफ्ट करना, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। अब देखते हैं पापा का क्या रिएक्शन रहता है, अभी चलते हैं डायरेक्ट घर। बहुत खुश होंगे, क्या बहुत खुश होंगे अंकल जी, लेकिन देखते हैं अभी जा करके पता चला। रुको जरा सब्र करो, चलिए अभी चलते हैं घर, भाई लोग सबको बाय बोलते हैं, फिर फर्स्ट सर्विसिंग में आएंगे लोग से मिलेंगे फिर। भाई पूरा खुश हो गए हैं, पूरा विश्वास नहीं हो रहा, वीडियो में देखते थे ऐसे रास्ते में चलते चलते मिलते रहता बहुत, ठीक आते हैं। गाइज गुड मॉर्निंग, ये है सेकेंड डे, कल क्या हुआ था ना, एक्चुअली आए थे हम घर स्कूटी लेकर के, उसके बाद रात हो गया था काफ़ी, हाँ, और घर पे कोई था भी नहीं, पापा ये लोग सब गए हुए थे एक शादी घर, तो रात हो गया था, तो मैंने सोचा चलो अभी कैंसिल करते हैं, सुबह पापा को सरप्राइज देते, क्योंकि रात के टाइम पे ब्लॉग भी उतना अच्छा से बनता नहीं, रिएक्शन भी उतना अच्छा से कैप्चर नहीं होता, तो मैंने रात को क्या किया था कि प्रिंस को दे दिया था स्कूटर को, ठीक है, मैंने बोला था तुम अपने घर पे जाकर रखो, फिर सुबह तुम ले आना, तो अभी प्रिंस उधर से शायद से आ रहा है, उसको मैंने कॉल किया था मॉर्निंग के टाइम में, देखते हैं उसको आने देते हैं, फिर अभी पापा भी घर पे हैं, जाकर के बोलना है कि आपके लिए सरप्राइज है, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है। और आप प्रिंस आ भी गया, उसको कॉल किया था अभी जस्ट, ये देखिए इधर से प्रिंस आ रहा है, अब देखते हैं, कभी ऐसा ब्लॉग बनाया नहीं है। गुड मॉर्निंग ब्रो, गुड मॉर्निंग, अच्छा से रखा था ना? हाँ एकदम अच्छा से संभाल कर रखा था। चलो अभी पापा घर पे ही है, कहाँ पे, बाहर ही लेके आएगा? अच्छा तुम बुला के ले आओ, ये थोड़ा गाड़ी साइड कर दो। तो अभी बाइक को अंदर कर दिए हैं, अंगना में रख दिए हैं, और इसको भेजते हैं पापा को बुलाने के लिए, चल ले वहाँ होगा, हाँ टीवी रूम ढूंढ देखते हैं अभी उनको कैसा लगता है न्यू स्कूटी देख कर। अभी देखिए अभी तक पापा ये वाला बाइक चलाते थे, जो एकदम हमारा फर्स्ट बाइक है, जो एकदम पुराना वाला बाइक है, पहले हमारे घर पर ये रहा करता था, मैंने भी इसका ब्लॉग बनाया था कुछ दिन पहले, इधर प्रिंस आ गया, प्रिंस 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 प्रिंस, नया स्कूटी हो, नया गाड़ी, उधर प्रेम सब ताक रहा देगी, अब ये लोग टिया, ये लोग कोई गोलू लोग है नहीं, सब स्कूल गया हुआ,
तो ये वाला बाइक सब उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, पापा अच्छा रहेगा, चकाचक न्यू गाड़ी। ये देखिए गंजी पहन के आ गया, ये रहा न्यू स्कूटी। गाड़ी तो तीन तीन गाड़ी घर में है ये। ये देखिए पापा का क्या रिएक्शन है, पापा को इससे बढ़िया ही चलाने में लगता है। ये देखिए अभी तक पुराना गाड़ी अच्छा लग रहा है इनको। या खुशी ना होकर के देखिए। अच्छा ठीक है, जरूरत तो था। हाँ खुश है, देखिए थोड़ा चला के देखिए। देखिए अब पापा इसको आराम से चला लेंगे, हल्का है ना स्विच। पापा चला ले रहे हैं इसको आराम से, ये देखिए। वाह चला ले रहे हैं एकदम क्या प्रिंस, मिशन सक्सेस, खुश है पूरा नहीं? उनके लिए सही हो गया ना, हमको भी बहुत खुशी हो रहा है, फर्स्ट टाइम कुछ गिफ्ट किए ना। मम्मी को एक चेन गिफ्ट किए थे, ऐसे गोल्डन गोल्ड चेन, कब दिए थे वो मदर्स डे में दिए थे। देख रहे मम्मी भी पूरा खुश है, स्कूटी ला दिया तो आंटी खुश नहीं होगी। अब मम्मी पापा घूमेंगे स्कूटी में, हल्का वाला गाड़ी है एकदम, कोई टेंशन नहीं। ये देखिए जितने एजेड लोग होते हैं सब स्कूटी ही चलाते हैं। एग्जांपल में ले ले रहे ब्रो। कहाँ चले गए रे चलाते चलाते, पूरा मजा आ रहा है, कब दूर चले गए। तो वो रहे देखिए लगभग 5-7 मिनट बाद आ रहे हैं उधर से रिटर्न, बहुत दूर चले गए थे लग रहा है। में अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। पावर आशे ना पूरा, पावर आशे 125 सीसी का। चलिए मिशन सक्सेस, अब हमारे घर में हो गया, 3-4 बाइक हो गए इधर। ये है बुलेट है, एक पुराना वाला बाइक है अपाची है, अब ये है, इतना सारा बाइक। फ्रेंड्स मजा आया, कल से वो साथ में है, हम रखे एकदम संभाल के। आप बोले अंकल को सरप्राइज है, अंकल कल घर में थे ही नहीं, ये आप बोले सो गाइस फाइनली हो गया सारा व्लॉग कंप्लीट। पापा को गिफ्ट देना था, बाइक गिफ्ट हो गया, एंड आई होप आप लोग को ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग लगा होगा, थोड़ा यूनिक कंटेंट था, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। एंड चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।